T20 वर्ल्ड कप 2024 की शुरुआत हो चुकी है। इसमें भारत पाकिस्तान का मैच 19 जून को खेला जाएगा। दोनों देशों के बीच होने वाले इस मुकाबले को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं। सबको इस मुकाबले का इंतजार है। इस बीच पाकिस्तान के हरफ मौला खिलाड़ी शोएब मलिक ने T20 विश्व कप 2024 से पहले बाबर आजम को तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने का सुझाव दिया है। T20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले पाकिस्तान टीम को इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई T20 मैचों की सीरीज में 2-0 से हार झेलनी पड़ी है। इस हार के बाद पूर्व पाकिस्तानी कप्तान और शोएब मलिक ने बाबर आजम को अपने बैटिंग ऑर्डर में बदलाव करने की सलाह दी है। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के पूर्व पति शोएब मलिक का ये सुझाव ऐसे समय आया है जब पाकिस्तान ने T20 विश्व कप 2024 से पहले इंग्लैंड के खिलाफ 4 मैच की T20 सीरीज 0-2 से गवा दी है। चौथे T20 मैच में पाकिस्तान का मध्यक्रम भरा भरा गया है। पाकिस्तान का मध्यक्रम बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की सलामी जोड़ी की अच्छी शुरुआत का फायदा उठाने में विफल रहे हैं। आपको बता दें कि चौथे T20 मैच में इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी ने अच्छी साझेदारी की थी, लेकिन मिडिल ऑर्डर बैटिंग पूरी तरह नाकाम रही। इससे टीम इंग्लैंड के सामने छोटा स्कोर ही बन पाया, यही उसके लिए हार की वजह भी बनी है। शोएब मलिक ने बाबर आजम को तीसरे नंबर पर बैटिंग करने की सलाह दी थी। उनके मुताबिक इसमें टीम की बल्लेबाजी को मजबूती और मिडिल ऑर्डर ब्रेटर्स का प्रेशर भी मिलेगा। पाकिस्तान की हार के बाद शोएब मलिक ने अपने माइक्रो बिलिंग साइट एक्स पर कप्तान बाबर आजम को तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने का सुझाव दिया था। शोएब मलिक के मुताबिक पाकिस्तानी टीम को बीच के ओवरों में बाबर आजम के मार्गदर्शन की बेहद ज़रूरत है। पाकिस्तान टीम के पूर्व कप्तान शोएब मलिक ने लिखा कि मुश्किल सीरीज याद रखें, हम पहले भी मुश्किल परिस्थितियों में रहे हैं और मजबूती से निकल रहे हैं। मेरे ख्याल से बाबर आजम को तीसरे नंबर पर अपनी बल्लेबाजी करनी चाहिए। हम बीच ओवरों में स्ट्राइक रेटेड करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे लिए सबसे अच्छा विकल्प हैं। आपके मार्गदर्शन से ही हमारा मध्यक्रम काफ़ी अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर पाता है। इस बीच शोएब मलिक ने युवा खिलाड़ी आजम खान और ऑलराउंडर सदाब खान का भी समर्थन किया है। शोएब ने दोनों टीम के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने अपना आत्मविश्वास न खोने और T20 विश्व कप को 2024 में अपना पहला मनोबल ऊंचा रखने को कहा गया है। शोएब मलिक ने लिखा कि बाबर आजम और सदाब अपने दोनों ही हमारी टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आत्मविश्वास ना खोए, दिल से खेलें, आप मैच की विजेता हैं। विश्व कप में उतरने की सबसे पहले अपना मनोबल ऊंचा करना बेहद ज़रूरी है, हम ये कर सकते हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट को पार्क वर्सेज इंग्लैंड #क्रिकेट #पाकिस्तान पर #टैग भी दिया है। बाबर आजम ने सीरीज के दूसरे T20 इंटरनेशनल में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी भी की थी। उस मैच में उन्होंने 32 रन बनाए थे, जबकि सैम आयुब ने रिजवान के साथ पारी की शुरुआत भी की है। अपने करियर में पाकिस्तान के कप्तान ने तीसरे नंबर पर 28 मौकों पर बल्लेबाजी भी की है और 46 की औसत और 129 की स्ट्राइक रेट के साथ 1067 रन बनाए हैं। इसमें उनके 11 शतक भी रहे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान T20 विश्व कप 2024 में अपने अभियान की शुरुआत में 6 जून को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के खिलाफ खेलेगा। इसके बाद में 9 जून को न्यूयॉर्क के नसाऊ काउंटी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में चिर प्रतिनिधि भारत से उसका मुकाबला होगा।